साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच। इस वक्त हम पटना के कुम्हरार में हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे सम्राट अशोक का राजप्रसाद हुआ करता था। एक कुम्हरार है और इसका प्राचीन इतिहास है। इसके भग्नावशेष पड़े हुए हैं, अशोक स्तंभ है, तमाम लाटे हैं और पूरी तरह से जो है से बाउंड्री किया गया है चारों तरफ। और जहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो यह पता चलता है कि काफी जो है यहाँ अतिक्रमण हुआ है और हजारों साल का इतिहास है। इस इतिहास पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सम्राट अशोक क्लब के सदस्यगण हैं और आज सम्राट अशोक का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इस अवसर पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सर घुमा के एक बार दिखा दीजिए हमारे कैमरा मैन दिखाइए दिखाइए। तो सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पे तमाम लोग यहाँ के कोने कोने से, देश के कोने कोने से चल करके लोग आए हुए हैं। यहाँ से शोभा यात्रा निकाला जाएगा और यह शोभा यात्रा जाकर के सम्राट अशोक कॉन्वेंट केंद्र में सभा में तब्दील हो जाएगा। तो हमारे साथ सम्राट अशोक क्लब के साथीगण हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम द्वारिक प्रसाद सिंह हुआ। सर आपसे हम चाहेंगे कि ये जो कुम्हरार है, ये जो जहाँ सम्राट अशोक का राज प्रसाद हुआ करता था, जहाँ से देश की शासन होती थी, इसके संदर्भ में इसके इतिहासों पे थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं नेशनल जनमंच को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सम्राट अशोक की जयंती के शुभ अवसर पर आप यहाँ उपस्थित होकर सम्राट अशोक के बारे में विशेष जानकारी देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचा। उसके पहले 9 वर्षों तक उन्होंने अपने तलवार के बल पर शासन किया और 27 वर्षों तक बुद्ध के गौतम बुद्ध के धम्म नीति के अनुसार उन्होंने शासन किया। तो जब सम्राट अशोक थे और उनके जो नीति थी और जो जगराज करते थे, तो सबसे पहले हथियार त्यागने के बाद कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हथियार त्यागा। उसके बाद सम्राट अशोक जी अपने बच्चे को गौतम बुद्ध के धाम को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया, जिससे भारत को पूरे विश्व की गुरु कहा गया। और उन्हीं के राज में, सम्राट अशोक के राज में ही किसी के घर में ताले नहीं होते थे। उस समय न कोई चोर होता था, न कोई डाकू होता था और कोई भी व्यक्ति जब दुखी होता था तो सम्राट अशोक 2400 घंटा अपना दरवाजा खुले हुए रहते थे कि किसी भी हमारे राज में जो भी दुखी होगा, हमारे जो तंत्र हैं, सूचना तंत्र है, वो हमारे पास पहुंचा है, उनको दुख में तुरंत हम लेते थे। और सम्राट अशोक ऐसे महान हुए जिनके नाम के पहले सम्राट और नाम के बाद महान, अभी तक विश्व में किसी भी राजा को ऐसा उपाधि नहीं मिला है। इसलिए उनको उपाधि मिला है, मुझे शायद लगता है कि उनके राज में जब वो रोड बनवाए थे तो हरेक रोड के किनारे तीन कोस पर कुआं और बगीचा यानी पेड़ पौधा रोड के किनारे लगाते थे कि कोई भी यात्री आए जाए तो उसे छायेदार पौधे के नीचे नीचे जाए। और तीन कोस पर कुआं बनवाए थे ताकि वहाँ जब प्यास लगे तो पानी पिए। इसीलिए वैसे महान राजा का सम्राट और अंतिम में महान दिया गया है। अभी हम लोग कुम्हरार, पटना के कुम्हरार में पहुंचे हुए हैं। ये जो सम्राट अशोक की राजधानी हुआ करता था, यहीं से उन्होंने राज करते थे और यहीं से राज करते हुए उन्होंने अपनी बहुत सारी योजनाएं थी लागू करते थे। यहाँ तक कि सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाकर पूरे विश्व में एक दिन दीपावली के दिन उन्होंने उद्घाटन किया था, जो कि आज उसका रूप दूसरे ढंग से दिया गया था। उसका दीप दानोत्सव नाम था, लेकिन कुछ विषमतावादी लोगों ने दीप दानोत्सव के जगह पर दीपावली कर दिया। तो ऐसे महान थे जिन्होंने उस समय कहा, आज के समय में कहा गया है कि लोग लिख लोढ़ा स्वर पथल, इसका मतलब आप समझते हैं कि कहा गया है कि इसे अनपढ़ के बारे में, लेकिन ऐसी नहीं था। सम्राट अशोक का ऐसा नीति था, 84,000 बौद्ध मठों पर उन्होंने अपना जो नीति था, बुद्ध का जो धर्म था, लोहा से पत्थर पर लिखा हुआ था और वही पत्थर पर जो लिखा था बुद्ध नीति, वही के तहत उन्होंने शासन किया और सभी जीव जंतु के बारे में कल्याण हेतु काम किया। सम्राट अशोक के लिए तमाम पूरी दुनिया भर में सर्वविदित है कि उन्हें सर्वभौम संभाव की जो है से सिद्धांत पे पूरी दुनिया में अपना विचार, अपना सिद्धांत, अपना नीति लागू करवाया था, जिससे पूरी प्रजा सुखी हुआ करता था। आज हम लोग कुम्हरार में हैं और यह बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है और इस भूमि पे हम लोग उपस्थित हैं। हमारे साथ अनिल सर हैं। अनिल सर से थोड़ा सा हम जानेंगे, सर आप क्या करना चाहेंगे? सर सम्राट अशोक जयंती पर, आज सम्राट अशोक जयंती पर इस चैनल को देखने वाले सभी लोगों को शुभकामना है
और यह जो धरती है वो मगध साम्राज्य की राजधानी है। और मगध साम्राज्य इतना बड़ा था कि आज तक पूरा भारतवर्ष एकीकृत कभी नहीं हो सका उसके पास। रही बात चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त मौर्य 223 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठ गए। उन्होंने पूरे भारत को एक अखंड भारत बनाया। इसके बाद उनके बेटे बिंदुसार आए और तब 272 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठे। शुरू में उन्होंने तलवार के बल पर भारत पर शासन किया, लेकिन कलिंग युग के बाद उन्होंने धम्म विजय का नारा दिया और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को प्रचारित किया और धम्म विजय से दिल जीतने का प्रयास किया। रही बात यहाँ के ऐतिहासिक महत्व की, तो यह चंद्रगुप्त के द्वारा बनाया हुआ राजप्रसाद था। यह लकड़ी का बना हुआ था। इंडिका, जो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग ने भी इसका जिक्र किया है। उसने सूसा और एक पताना का जो राजप्रसाद था उसे इसकी तुलना की है और उन्होंने कहा है कि उसे बहुत बड़ा था। इसमें सैकड़ों स्तंभ बने हुए थे और उन स्तंभों पर अपना राज्यादेश खुलवाया था, लेकिन आज वे सब विलुप्त हो गए हैं। इसके विलुप्त होने में जब मौर्य वंश का पतन हुआ था और पुष्यमित्र शासक बना था तो उसका बहुत बड़ा योगदान था। उसके उत्तराधिकारी भी इस जगह को बर्बाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई और आज लगभग सारे अवशेष यहाँ समाप्त दिख रहे हैं, कुछ भी दिख नहीं रहे हैं। और क्योंकि सरकार के द्वारा थोड़ा सा प्रयास किया गया है इसको संरक्षित करने का, तो अब सिर्फ मैदान रह गया है और महल का कोई अवशेष यहाँ दिख नहीं रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट। देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ सम्राट अशोक स्तंभ टूटा हुआ है और ये कितना विशाल रहा होगा, अपने जिस समय इसको बनाया गया होगा उसमें कितना विशाल रहा होगा, आप इससे आकलन कर सकते हैं। इसके जो भग्नावशेष हैं, जो टूटे हुए स्तंभ हैं, इस स्तंभ को देख करके आप ये महसूस कर सकते हैं। आप इधर आइए सर, कैमरा मैन साहब करके इधर दिखाइए, तो देखिए किस तरह से तोड़ा गया है। विषमतावादी जो सोच रखने वाले लोग होंगे वो कितना जो है इसके प्रति कितना ईर्ष्या द्वेष घृणा रखते होंगे और आज उसी का नतीजा है कि पूरा भारत जो है विखंडित होते नजर आ रहा है, टूटते नजर आ रहा है। से पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। सम्राट अशोक का ही समय था जब भारत पूरे विश्व में शक्तिशाली और ताकतवर हुआ करता था, पूरे दुनिया में इसका टंका भरता था शक्ति के मामले में, संभाव के मामले में, समानता और एकता के मामले में। तो आज सम्राट अशोक की जयंती समारोह है। उस समारोह में पूरे देश और दुनिया से लोग आए हुए हैं यहाँ पे और एक भव्य आयोजन किया जा रहा है तमाम लोगों के माध्यम से। तो ये सम्राट अशोक का राजप्रसाद हुआ करता था है ना, तो वो पूरा जो है इस तरह का ये दृश्य है, देख सकते हैं ये पूरा दृश्य सम्राट अशोक का राजप्रसाद, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य तमाम वंश के लोगों ने शासन किया और पूरे दुनिया को एक अपना संदेश दिया और बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने पूरे विश्व धर्म बनाने का काम किया, यही सम्राट अशोक का राजप्रसाद है। दर्शन जनमंच की ओर से धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।